हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी को अपने चैनल पे। आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ नॉर्मल ब्लीच से डिटेन ब्लीच कैसे बनाएं, बिल्कुल सैंटेन रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होगा। जिन लोग को नॉर्मल ब्लीच लगाते हैं और अब सैंटेन के लिए हमें डिटेन ब्लीच की आवश्यकता होती है, तो उसे हम इजिली घर पर बना सकते हैं। तो उसमें क्या क्या मिक्स नहीं करना है और क्या क्या मिक्स करना है, ये आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो हम नॉर्मल ब्लीच से हम डिटेन ब्लीच बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, तो उसके लिए हम लिए हैं छोटा सा मिनी पैक नेचर्स का ब्लीच, जिसका MRP 30 रुपया है अभी। तो वो हम छोटा सा पैक लिए हैं और एक बॉल लेंगे प्लास्टिक का, उसमें मिक्स करेंगे। तो क्या क्या मिक्स करना है और कैसे मिक्स करना है और मतलब कितना क्वांटिटी मिक्स करना है और फेस पे अप्लाई करना है और सामने लाइव रिजल्ट दिखाना है कि हाँ सचमुच में डिटेन रिमूव होता है कि नहीं होता है और फेस पे ग्लो करता है कि नहीं करता है, ये भी आप लोग देख लीजिए। तो उससे के लिए हम छोटा सा मिनी पैक ब्लीच लिए हैं। अब ब्लीच को क्या करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे और ब्लीच में क्या क्या क्वांटिटी दिया है, क्या मटेरियल है। तो छोटा सा इस तरह से 30 रुपया MRP है फ्रेंड्स, और इसमें एक्टिवेटर है और क्रीम है और एक चम्मच दिया है छोटा सा। तो हमें नहीं मिक्स करना, ये सबसे पहले बता दें फ्रेंड्स। और मिक्स करने के लिए छोटा सा बॉल लिए हैं। तो हमें डिटेन ब्लीच बनाने के लिए एक्टिवेटर नहीं मिक्स करना है, एक बात खास बात को ध्यान दें। अब चलिए बताते हैं मिक्स क्या करना है। तो नेचर्स का ब्लीच हम छोटा सा बॉल में निकाल लिए हैं फ्रेंड्स, और एक ही फेस भर हुआ है थोड़ा सा। अब उसमें हमें मिक्स करना है, खाने वाला किचन से ही उपलब्ध है, एक चुटकी हल्दी, जो कि आपको मतलब एक अच्छा सा ग्लो करता है और टैनिंग रिमूव करने में हल्दी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ब्लीच जो है ना एक्टिवेटर नहीं मिक्स करना है, तो हमें नींबू, क्योंकि नींबू जो है भरपूर है विटामिन सी और जो डार्क स्पॉट्स है टैनिंग है उसे इजीली रिमूव करता है। और नेचर्स का जो ब्लीच है उसमें हमें मिक्स करना है दो चीज़ ही, सिर्फ नींबू का रस और एक चुटकी हल्दी। इसको हम ब्रश के हेल्प से हम इस तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा देर तक मिक्स करेंगे कि ताकि पूरे अच्छे से हल्दी और नींबू का रस मिल जाए। मिक्स करने के बाद देखिए किस इस तरह से ये क्रीम का स्ट्रक्चर है। अब इसे हमें फेस पे अप्लाई करना है, और फेस पे अप्लाई करते समय किन किन बातों को ध्यान दें। तो फेस को पहले क्लीन कर लें कॉटन के मदद से, या फेस वॉश या पानी से भी धो सकते हैं। इस तरह से कॉटन से फेस को क्लीन कर लें। उसके बाद क्या करना है, फेस पे ब्रश के हेल्प से अप्लाई करना है और आँख पर छोड़ देना है, ओठ पे छोड़ देना है और इसे फेस पे पूरे अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद क्या करना है, ब्रश की मदद से जब अच्छे से अप्लाई हो जाए और कहीं छूट जाए फ्रेंड्स, तो उसे हमें ब्रश के हेल्प से मिला लेना है। और ओठ को थोड़ा सा दाब के इसलिए लगाते हैं कि ऊपर नीचे एक समान हो जाए, और जो बच जाए उसे हमें गर्दन पे भी अप्लाई कर लेना है। और इसको बाद क्या करना है, जब तक हमें इसको कितना देर रखना है ये भी जान लीजिए, 15 मिनट रखना है। ये डिटेन ब्लीच जो है 15 मिनट रख सकते हैं, अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो 5 मिनट, नॉर्मल स्किन है तो 15 मिनट रख लीजिए, लेकिन कम से कम 5 से 6 मिनट रखना है, हार्डली 15 मिनट तक। अब इसको रहने देना है और तब तक रखना है जब तक कि फेस पे पूरी क्रीम एब्जॉर्ब हो जाए। जब क्रीम एब्जॉर्ब हो जाए तो आपको खुद में खुद अनुभव होगा कि हाँ मेरा ब्लीच मतलब कि डिटेन ब्लीच कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, जो नींबू का रस निचोड़े थे और जो नींबू का छिलका बचा है उसे क्या करना है, पूरे फेस पे मसाज करना है उसी से, और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी या गुलाब जल का हेल्प लेना है इस नींबू का छिलका से, और उसको फेस को पूरे अच्छे से मसाज कर लेना है। जब मसाज हो जाए आपको खुद में खुद फेस पे आपको ऐसा ग्लो करेगा और एक कलर हेयर आएगा कि लगेगा कि मेरा मसाज भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से फेस को क्लीन कर लेना है कॉटन के मदद से, या आप चाहे तो डायरेक्ट पूरे पानी से फेस को साफ कर देना है। और देखिए खुद में खुद कितना अच्छा कलर आया है फ्रेंड्स। तो अच्छे से जब क्लीन हो जाए फेस पे, तो टॉवल के थपथपा के फेस से पानी
सुखा देना है, या आप पानी से ही डायरेक्ट धो सकते हैं और उसके बाद पानी सुखा देना है फेस पर जो भी पानी लगा हुआ है उसे टॉवल के मदद से। उसके बाद क्या करना है तो देखिए इस तरह से फाइनल रिजल्ट है। आप चाहे तो कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, बिंदी लगा लीजिए और लिपस्टिक, आपका फेस इतना अच्छा ग्लो और रिजल्ट आएगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ सचमुच में मेरा डिटेन और बाल भी ब्राउन नहीं होगा। सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बाल ब्राउन नहीं होगा फ्रेंड्स, डिटेन ब्लीच से जितने टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा ग्लो आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल माई डियर, बाय बाय, आई लव यू ऑल फ्रेंड्स।